अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर से और मेरे अतराफ़ में नज़र आ रहा होगा कि मैं समंदर आई हूँ, क्योंकि समंदरी तूफ़ान का ख़तरा है। तो मुझे भी बड़ा क्रेज़ हुआ कि देखूँ कि क्या है, वाकई में आ रहा नहीं आ रहा और समंदर की क्या सिचुएशन है, और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो मैं जो है अभी यहाँ पर समंदर सी साइड आई हूँ और बिल्कुल सुनबटा सन्नाटा हो रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और बिल्कुल कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली किया हुआ समंदर। आयशा रुक जाओ, बस बिल्कुल खाली किया हुआ। तो मैंने कहा मैं अपनी बहन को, छोटी बहन को मैं अपने साथ लेके आ गई और हम अभी सी साइड आए और बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना कोई पानी फाटे मारता हुआ नहीं है। और देखते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ, कैप्चर करती हूँ कि किस तरह से पानी चढ़ा हुआ है और तूफ़ान का ख़तरा। अभी वैसे कहा जा रहा है कि कराची से तूफ़ान जो है वो 470 किलोमीटर की दूरी पर है। हवा का दबाव देख सकते हैं कितना ज़्यादा है जो है मेरे पास। ये जो है इस वक्त सिचुएशन है यहाँ की, साइंस फीट में आई हूँ और ये सिचुएशन है यहाँ की कि कोई भी नहीं है और पानी जो है वो कुछ मतलब काफ़ी बहुत आगे तो आया हुआ है लेकिन इतना भी आगे नहीं है अगर देखा जाए तो। पानी का बहाव भी इतना मतलब तेज़ नहीं है जिस तरह से टीवी में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पानी का बहाव तेज़ है लेकिन इतना तेज़ नहीं है। तो लाइफ गार्ड्स बैठे हुए हैं, वो सीटियाँ मार रहे हैं कि मतलब आगे ना जाए, तो मैं भी दूसरे ही खड़े होकर बना रही हूँ बस। है क्या, तो तभी मैं करीब जाती हूँ और करीब जाके थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ। ये देखें कि किस तरह से पानी का बहाव तेज़ है, मकामी एरिया है ये जहाँ पे मतलब यहाँ के लोग रहते हैं। तो ये यहाँ का लोकल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं और ये एरिया मेरा ख्याल है अभी तक खाली नहीं करवाया गया है क्योंकि आई थिंक इतनी कोई सिचुएशन ख़तरनाक नहीं है, तो इसी वजह से नहीं खाली करवाया गया है। लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी मशहूर मछली चौक है और मछली चौक के ऊपर भी बादल देखो ये। तो मैंने अपना व्लॉग शूट कर लिया और आप लोग लाजमी देखिएगा मेरा व्लॉग और लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को जो जो न्यू आए। बाकी हल्की हल्की बात भी शुरू हो गई है और मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आया मुझे भी, देख लिया मैंने कि क्या सिचुएशन थी समंदर की। और बारिश भी शुरू हो गई है और अब हम वापस घर जा रहे हैं।